हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह, मेन फैकल्टी, कृष्णा ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग में टेपर टर्निंग का प्रोग्राम बनाएंगे, एक के साथ, मीन्स एंगल के साथ। ठीक है, तो हम एक हम जॉब लेते हैं। अब ये हमारा सपोर्ट, ये डाया 20 पॉइंट, और ये डिस्टेंस हमारी 25 है, और ये जो टेपर एंगल है ये 5 × 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 30। ठीक है, अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने से पहले पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग वाला टूल पोजीशन, हम यहाँ कराएंगे जो कि यहाँ से 2 mm पहले होगी। तो ये पोजीशनिंग पॉइंट है, और ये टूल हमारा हम पोजीशन से आएगा, ये हमारा पोजीशन है, यहाँ से चल के आएगा। ठीक है, यहाँ से टूल ए पॉइंट से चल के फिर ये जाएगा बी पॉइंट, और बी से सी, और सी पॉइंट से जाएगा डी पॉइंट, और डी पॉइंट से थोड़ा ऊपर करके फिर इसे रिटर्न हम पोजीशन करेंगे। ठीक है, अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो पॉइंट्स निकालेंगे। एक्स की वैल्यू और ए पॉइंट पर हमारा एक्स होगा 20.0 और जेड हमारा 2.0। B पॉइंट पे हमारा x से 20.0 और z हमारा -25.0। अब आता है C पॉइंट पे हमारे पास जो वैल्यू x और z की है वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 × 45 है, ये होता है L × थीटा। ठीक है, अब इसमें L, यहाँ पे L क्या है? So, L में आपको बता दूं, ये डिस्टेंस L है और ये एंगल है थीटा, और ये डिस्टेंस हमारी होती है H। अब मैंने आपको बताया कि हमें प्रोग्राम बनाना है, A के साथ बनाना है। तो X और Z की वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे X की वैल्यू निकालते हैं तो tan 45 लेते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू H अपॉन L। तो यहाँ पे H हमारा है जो निकालना है, एल हमारा कितना है 5, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन 5, इसीलिए h इज इक्वल टू 5, हमारा h 5 आया। तो फ्रेंड्स, 5 उधर होगा तो 5 इधर भी होगा, तो 5 और 5 tan होगा 20 और tan 30। तो x की वैल्यू यहाँ पर c पॉइंट पर 30 आ गई, z की वैल्यू माइनस, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना फ्रेंड्स 5, तो 5 हम जोड़ देते हैं 25 में, तो -30.0। अब D पॉइंट लेते हैं, तो D पॉइंट पे हमारा x तो 30.0 है और z हमारा हो जाएगा 25 और 5 30 और 30 60, -60.0। अब हमने x और z हमने निकाल दिया, बट अब A के साथ प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले टूल पोजीशन करेंगे, तो टूल पोजीशन के लिए G0 x 20.0 और z हमारा 2.0। g01 x 20.0 और z -25.0। अब आता है c पॉइंट, हमने a बताया, तो a के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमारा टूल चल के आ रहा है, टूल का रियल में एंगल निकालना। देखो टूल ऐसे चल के आ रहा है तो ऐसे, तो ये जो एंगल,
ये ए। अब इस एंगल को हम कैसे निकालते हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे निकाल देता हूँ, ये और ये के, ठीक है अपने। तो टूल की जो चल मूवमेंट है, टूल का मूवमेंट ऐसे है और ऐसे जा रहा है, तो रियल में जो मूवमेंट है, जो एंगल बना वो ये है, दिस इज ए, ठीक है। अब ये जो हमारा ए है, ए के साथ अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा थीटा हुआ। तो फ्रेंड्स यहां सीधा जो लाइन है ये हमारी कितनी है, 180। तो ए इज इक्वल टू यहां पर होगा टोटल 180 है, 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया हमारा 180 माइनस थीटा। तो इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा कितना हमारा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये हमारा हो जाता है 135 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल है वो 135 डिग्री का है। तो जब हम इसके लिए इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो वैल्यू देंगे, तो ए के साथ देंगे सी पॉइंट की, तो 301 एक्स 30.0 ए 135, ए में लेंगे 135 और फीट 0.2 ऊपर भी आप फीट दे दो, ठीक है। तो आपने यहां पे ना एक्स के साथ ए दिया, जेड नहीं दिया, तो ए के साथ भी हम प्रोग्राम बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम डी पॉइंट में जाएंगे तो G01 एक्स 40 हो जाएगा, यहाँ पे 30, सॉरी एक्स 30 रहेगा और जेड माइनस हमारा 60 हो गया, जेड माइनस 60.0 और फीट 0.2 और ये मैं हटा देता हूँ जो मैंने निकाली थी, G01 एक्स 32, G01 कर देते हैं इसको एक्स 32 और Z माइनस 60.0 पॉइंट करा दो और G28 U0 W0 M05 और M। तो फ्रेंड्स ये वाला A कमांड के साथ टेपर विद A कमांड, ए कमांड के साथ, पहले हमने टेपर बताया था एक्स और जेड के साथ, अभी ये टेपर है हमारा ए कमांड के साथ। अब नेक्स्ट जो हम टेपर बताएंगे वो सी कमांड के साथ, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो बात करते रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए, अगर आपके पास कमेंट्स है तो आप कमेंट्स करें और कमेंट जरूर करें जिससे हमारे पास रियलिटी आए। ओके।